अब आप ये कह रही हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात, मैं पॉइंट दर पॉइंट आना चाहूंगी, किसने कहा कि एनआरसी लागू हो रहा है? एनपीआर सिटीजनशिप को लेकर नहीं है, एनपीआर सेंसस को लेकर है, वो नागरिकता को लेकर नहीं है। आप क्यों कंफ्यूजन फैला रहे हैं? एनआरसी जी नहीं, एनपीआर जो है, एक मिनट, एनपीआर सिटीजन सेंसस नहीं है। एनपीआर में जो सवाल है वो सेंसस के सवाल नहीं है। अगर सेंसस के सवाल है तो फिर एनपीआर कराने की क्या जरूरत है? सेंसस तो कब से हो रहा है? एनपीआर तो 2010 में भी हुआ था ना मैम, और हर 10 साल बाद होता है। नहीं, लेकिन एनपीआर को होने में किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? दिक्कत ये है कि अब चूंकि देखिए मैम, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार ये सारी चीजें नहीं लाती। हमें नहीं इंटरेस्ट है बार बार नए नए कागजात बनाने का, हमारा पूरा जीवन कागज बनाने में। 2010 में जब एनपीआर हुआ तब स्वरा भास्कर को दिक्कत नहीं हुई, 15 साल से एक्टिविज्म कर रही है तब स्वरा भास्कर सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही है। आपने बोला ना, 15 साल की, आपने ये बात बोली है कि मैं 15 साल की उम्र से एक्टिविज्म कर रही हूँ। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि 10 साल बाद जब दोबारा एनपीआर हो रहा है वो इसलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि वो मोदी सरकार की रजीम में हो रहा है। नहीं मैम, दिक्कत ये है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि एनपीआर जो है वो ऐसे हवा में थोड़ी ना एनपीआर की बात शुरू हो गई। बात कैसे शुरू हुई? मैं वही आपको कह रही हूँ, शुरुआत होती है गृह मंत्री का। एनपीआर इज अ रेगुलर प्रोसेस। वुड यू लाइक मी टू आंसर योर क्वेश्चन और यू वांट टू जस्ट कीप दैट टॉकिंग? नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। नहीं, समझाइए, आप एनआरसी एनपीआर मत कीजिए ना, आप मुझे मत समझाइए। एनपीआर डिफरेंट है, आप मेरा जवाब सुनिए। एनआरसी डिफरेंट है मैम, सीएए डिफरेंट है मैम। आप बिना संदर्भ के ना, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम जो है चीजों को भटकाते हैं और फॉल्स इक्विवेलेंसेस, जिसका मुझे हिंदी एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन झूठी बराबरियां करते हैं। ये पूरा जो डिबेट है इसे बिना संदर्भ के आप नहीं देख सकते। मैंने बार बार आपको कहा है, संदर्भ क्या है? पहला संदर्भ, लोकसभा इलेक्शन में गृह मंत्री साहब के बार बार उत्तेजित और विभाजित करने वाले बयान देना सीए को लेकर। दूसरा संदर्भ क्या है? एनआरसी, असम में एनआरसी जो इतनी बुरी तरह से असफल रहा कि 19 लाख लोग जो भारत के नागरिक थे वो छूट गए बाहर, जिनमें से ज्यादातर हिंदू थे। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि बार बार धर्म की बात ये सरकार करती है। तीसरा संदर्भ ये कि एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, एनआरसी के आने से हर आम गरीब नागरिक, ड्राफ्ट के पास बता उनके कागजात नहीं है, ड्राफ्ट उनको कहां दिक्कत है होने एनआरसी वाली है? का कहाँ है एनआरसी का? सरकार से पूछे मैम, मुझसे कहे पूछ रही है? आप बता रही है कि डरावने प्रोविजन है, सरकार बात क्यों नहीं? आप कह रही हैं मेरा सवाल सुनिए, वन सेकंड, नो मैम, आप जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मुंडन करवा रही हैं, जवाब देखिए मेरी, एनआरसी कहाँ है? नहीं, जवाब देखिए मेरी नहीं है मैम, जवाबदेही सरकार की है क्योंकि ये बात हम नहीं लाए यहाँ पे। सुनिए, आपने कहा कि एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजन हैं, तो मैं कह रही हूँ कि आप ड्राफ्ट दीजिए ना, मैं इस डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगी। एनआरसी का ड्राफ्ट स्वरा भास्कर के पास है, जीशान आपके पास है, असम सिग्मान चौधरी आपके पास है, काम नहीं है मैम, आप मुझे ड्राफ्ट दे दीजिए, एक मिनट, एनपीआर का सवाल दे दीजिए, मैं डिबेट यहीं खत्म कर दूंगी। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं डिबेट यहीं खत्म कर दूँ। मेरा काम है इस देश के कानून का पालन करना और टैक्स भरना, मेरा काम ड्राफ्ट बनाना। तो आप हवा हवाई बातें क्यों कर रहे हैं? मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आप भड़काएंगे लोगों को। हवाई बातें नहीं कर रही हूँ मैम, एनआरसी का एक उदाहरण भड़काएंगी मैम, एनआरसी का एक उदाहरण। वोट देने जाएंगी, कागज दिखाएंगी और नारे लगवाएंगी कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। दादाजी और दादाजी और उनके दादाजी के कागज नहीं दिखाने होते मैम वोट देने के लिए, ठीक है? आप ऐसे घुमाइए मत बातों नहीं, को। नहीं, मैं कोई घुमा नहीं रही हूँ। नहीं मैम, मैं बहुत सीरियस लेवल पर आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। नहीं, ये डिस्कशन, यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑफ कोर्स डू। नो, आप बोल रही हैं कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। कैसी हवा में मैम, जब असम एनआरसी के ड्राफ्ट 10 साल तक एनआरसी का पूरा प्रोसेस असम में चला है। असम का सीए से कोई लेना देना नहीं है, एनआरसी से लेना देना। बातें कर रहे हो, असम का कोई सीए से लेना देना नहीं है? सीए से कोई वास्ता तो नहीं है असम का। प्रोटेस्ट चल रहे हैं असम में, आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? सीए का लेना देना पूरे देश से है मैं। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार बार कह रही हूँ आपको, सीए आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ, मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ, मुझे यकीन था आपने एक्ट नहीं पढ़ा होगा। आप मुझे ये बताइए, डाउटफुल सिटीजन्स का जो लिस्ट है
उसको लेकर आपकी क्या राय है? जो लोग डिटेंशन सेंटर में मरे हैं जिनके पास कागजात थे उनको लेकर आपकी क्या राय है? जो 15 या 19 लाख जो 19 लाख को पढ़िए स्वरा, इसमें मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है। आप मुसलमानों को भड़का रही हैं। इस एक्ट में माइनॉरिटीज का हिंदुस्तान के कोई जिक्र नहीं है। देखिए मैम, इस एक्ट को पढ़ लीजिए, रट लीजिए, इसमें किसी भी माइनॉरिटी का हिंदुस्तान की जिक्र नहीं है। नहीं मैम, आप पढ़िए इस एक्ट को। देखिए मैम, और एनआरसी का, सीएए का असम के एनआरसी से कोई वास्ता नहीं। मुझे पता है, मुझे पता आप नहीं पढ़ेंगी। आप पढ़ेंगी तो आपका झूठ सामने आ जाएगा जी। आप नहीं पढ़ेंगी। मैंने रेलेवेंट चीजें पढ़ी हुई हैं। पहली बात, मैं पन्ने लेकर आई हूँ, पढ़िए ना। रूबिका जी, आपको जितना भी गैलरी को प्ले करना है, आपकी आपकी फेवरिंग ऑडियंस है। हम उत्तर प्रदेश में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ऑडियंस, अब ये ऑडियंस जो है ये राइट विंगर हो गई। आप जितनी तालियां बजवाना चाहती हैं, अब ये ऑडियंस राइट विंगर हो गई। आप जितनी तालियां बजवाना चाहती हैं, अब बजवा। मुझे तालियां नहीं बजवानी है मैम। मैं प्रदर्शन करने वाली उन महिलाओं के लिए चिंतित हूँ। मैं प्रदर्शन करने वाली उन महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, मैं दुखी हूँ इस बात से। मेरा एक सिंपल सवाल है, मुझे बस ये बता दीजिए आप, जो लोग असम के उस बच्चे के इंतकाल से दुखी हूँ मैं, जो लोग असम के डिटेंशन सेंटर में मरे हैं, आप उन्हें बोलेंगे सीए पढ़िए? जो लोग असम के डिटेंशन सेंटर में मरे हैं, उनके पास कागज नहीं थे, आप एक्टिविस्ट दिखाएंगी? आप एक्टिविस्ट दिखाएंगी उन्हें? डिटेंशन सेंटर कब मना है? पहला डिटेंशन सेंटर कब बना? स्वरा भास्कर, पहला डिटेंशन सेंटर कब बना बताइए मुझे। मैम आप मुझे ये बताइए, 1955 इस देश में कितने डिटेंशन सेंटर हैं? इस देश में कितने डिटेंशन सेंटर हैं? मैं 1955 में पैदा नहीं हुई थी, और मैं 1955 मैं भी पैदा नहीं हुई थी 1955। सबसे पहली बात, जब मैं जिस दौर में पैदा हुई हूँ और जिस दौर में मैंने अपने, मुझे समझ आई है, मैं उसी दौर की बात कर सकती हूँ। पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैम, आप ये जो भटका रही है ना, बात बहुत सिंपल है। सिंपल बात यह है कि एनपीआर और एनआरसी के बगैर सीएए का कोई मतलब नहीं है। तो सीए पढ़ा रहे, आप एनआरसी और एनपीआर मत वापस ले लीजिए, आप देखिए क्या होगा, सारे विरोध चुप हो जाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपने कहा और सही कहा, सीए का लेना देना भारत के नागरिक से नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एनआरसी और उसमें जो संदिग्ध नागरिकों की सूची है, जिसमें कोई भी आ सकता है, मतलब वो इतना हो सकता है कि इनको मुझसे दिक्कत हो और ये ऑब्जेक्शन करें और मेरा नाम आ जाए संदिग्ध नागरिकों की सूची में। और जिस तरीके से, जी हाँ, जिस तरीके से सरकारी अफसरों के हाथ में ये शक्ति हम दे रहे हैं कि आप इस देश में नागरिकता डिसाइड करेंगे, उन चीजों से हमें दिक्कत है मैम। पहली बात। दूसरी बात, दिक्कत सारी यही हो रही है कि सरकार नहीं दे रही है हमें जवाब, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि एनआरसी में होना क्या है, क्योंकि उन्होंने इसे एक इलेक्शन का मुद्दे की तरह वो लाए थे और उन्हें लगा नहीं था कि इसके विरोध में इतने सारे लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। लेकिन जो लोग सड़कों पे उतरे वो ऐसी एवे नहीं उतरे मैम, वो इसलिए उतरे क्योंकि उन्हें डर है, उन्हें अपने अस्तित्व को लेके इस देश में डर है उन्हें। और ये सिर्फ एक समुदाय नहीं है मैडम। अच्छा स्वरा भास्कर, देश के प्रधानमंत्री कौन सी भाषा में बोले कि आपको समझ में आएगा कि एनआरसी को लेकर अभी हिब्रू में बोले, फ्रेंच में बोले, संस्कृत में बोले, कोई और भाषा में बोले कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एनआरसी पर अभी किसी तरह की कोई बैठक भी नहीं हुई है, कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। क्या करें प्रधानमंत्री कि आप लोगों को यकीन हो जाए।